खबर राजधानी देहरादून के कालसी से है, जहां बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि कालसी थाना क्षेत्र में एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक इस अल्टो कार में सवार होकर ये दो व्यक्ति एक 4 साल की बच्ची के साथ कालसी से कोटी की ओर जा रहे थे। उसी दौरान कोटी मार्ग पर छिबरो पावर हाउस के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने नदी से दोनों व्यक्तियों सहित एक 4 साल की मासूम बच्ची को बाहर निकाला। हालांकि इस घटना में सिरमौर हिमाचल प्रदेश के निवासी अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कलसी के रहने वाले जयपाल व 4 साल की बच्ची ताशी चौहान को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया है। कालसी से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। एक कालसी थाने से हमें एक सूचना मिली थी कि छिबरो पावर हाउस के पास एक अल्टो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसी सूचना पर हम तत्काल मौके पर पहुंचे तो वहां पर पाया गया कि उसमें दो जेंट्स थे, घायल अवस्था में हमने निकाला उनको टोंस नदी पार करके, और एक बच्ची थी वो भी घायल अवस्था में, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।